मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत। गुड मॉर्निंग, सुबह के नमस्ते प्यारे बच्चों। कल हमने नाउंस के बारे में जो है कराया था कि नाउंस क्या होता है और उसके बारे में चर्चा की थी कि नाउंस के प्रकार कितने हैं। नाउंस, प्रनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, इंटरजंक्शन। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताई थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को हम नाउन कहते हैं। इसमें नेम ऑफ पर्सन, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, निधि मोहन सोहम, नेम ऑफ प्लेस, किसी चर्च, डिस्पेंसरी, नेम ऑफ एक्शन, च्वाइस, वर्ब, नेम ऑफ थिंग्स, जैसे पेन, स्लेट, बुक, नेम ऑफ क्वालिटी, ट्रूथ, साइलेंस, जैसे नेम ऑफ सिचुएशन, स्लीप और डेथ। और आज प्यारे बच्चों हम जो हाउ टू फाइंड ए नाउन, संज्ञा प्राप्त करने की विधि आपको बताएंगे कि क्रिया में कौन, किसने, क्या या किसको लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, अवस्था या गुण आए वह नाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल, निधि राइट्स ए लेटर। उपरोक्त वाक्य में राइट शब्द क्रिया है, इसमें निधि सब्जेक्ट है और राइट्स क्रिया है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इस उपयुक्त वाक्य में राइट शब्द क्रिया है जिसका अर्थ है लिखता है। अब प्रश्न करो कौन लिखता है, जैसे निधि राइट से लेटर, तो राइट्स क्रिया है, क्रिया का अर्थ है लिखना, तो कौन लिखता है, निधि। अब प्रश्न करो क्या लिखता है, क्या लिखता है, ए लेटर। तो पहले प्रश्न किया हमने कौन लिखता है, निधि। अब प्रश्न करो क्या लिखता है, लेटर। तो इसलिए इस उदाहरण में निधि और लेटर संज्ञा नाउन है। अर्थात कहने का यह अभिप्राय है कि यदि हम क्रिया के साथ, जैसे राइट्स हैं इसमें, कौन और क्या लगाते हैं या किसको क्या लगाने से जो उत्तर आता है वह नाउंस होता है। जैसे निधि राइट से लेटर, तो कौन लिखता है, प्रश्न करो, निधि। और क्या लिखता है, जैसे ए लेटर, तो क्या लिखती है, ए लेटर। और कौन लिखता है, निधि। तो निधि और जो लेटर है, इस उदाहरण से पता चलता है कि निधि तथा जो लेटर है वह जो है संज्ञाएं हैं। तो आगे द नाउंस काइंड्स, नाउंस के प्रकार क्या है। नाउंस के प्रकार प्रॉपर नाउंस, कॉमन नाउंस, कोलेक्टिव नाउंस, मटेरियल नाउंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। पहले हमने बताया कि नाउंस किसे कहते हैं, नाउंस का पता कैसे चलता है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि किस तरह के नाउंस के प्रकार कौन कौन से हैं। देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउंस। नाउंस के पांच प्रकार हैं, प्रॉपर नाउंस, कॉमन नाउंस, कोलेक्टिव नाउंस और मटेरियल नाउंस और एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, पर्सन, प्लेस और थिंग इज ए प्रॉपर नाउन। जिस नाउन संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान आदि का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, प्लेस स्थान के बारे में, एज और थिंग्स और किसी वस्तु के बारे में पता चलता है वह प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मधु वाज बोर्न ऑन ट्यूजडे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। द गीता इज ए सेक्रेट बुक, गीता जो है पवित्र जो है पुस्तक है। तो इस सेंटेंसेस में मधु एक पर्टिकुलर गर्ल्स का नाम है, विशेष लड़की मधु, ट्यूजडे विशेष दिन है क्या, एक पर्टिकुलर डे का नाम है, और दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी है, दिल्ली इज दे, और इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, और गीता एक जो है पर्टिकुलर बुक है।
का नाम है, अतः ये वर्ड प्रॉपर नाउन है। तो जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति का पता चलता है, देश का पता चलता है, स्थान आदि का पता चलता है, उसे हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मधु वाज बोर्न इन ट्यूजडे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दी गीता इज ए सेक्रेट बुक। तो इन उनको जो है जहाँ पर विशेष किसी व्यक्ति विशेष स्थान आदि का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज ए नेम शेयर्ड इन कॉमन बाई द एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ए ग्रुप। जिस नाउन संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति का वस्तु का बोध हो, एक कॉमन नाउन इज ए नेम शेयर इन कॉमन बाई द एवरीवन ऑफ द सेम क्लास। तो वॉइस प्ले इन द फील्ड, और शारदा हैज रीड मैनी बुक्स, माई अम्ब्रेला इज वेरी कॉस्टली। तो इस सेंटेंसेज में वॉइस, अम्ब्रेला, बुक्स ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जो कंस्टिट्यूटिव थिंग के नाम है और इनको गिना भी जा सकता है, अतः इन्हें काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे वॉइस प्ले इन द फील्ड, वॉइस पूरे वॉइस के सेम क्लास के बारे में बताता है। शारदा हैज रीड मैनी बुक्स, बुक्स जो हैं वो एक वर्ग के बारे में एक वर्णन करती है, और अम्ब्रेला, माई अम्ब्रेला इज वेरी कॉस्टली, तो इसमें अम्ब्रेला सेम क्लास के बारे में बताता है। तो इसे काउंटेबल नाउन्स, कॉमन नाउन्स कहते हैं हम। जो काउंटेबल नाउन्स वे होते हैं जिनको गिना जा सकता है, वॉइस को गिन सकते हैं, किताबों को गिन सकते हैं, छाता, अम्ब्रेला, इनको गिन सकते हैं। और जैसे काउ गिव्स मिल्क, वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। और उसके बाद इन सेंटेंसेस में मिल्क, वाटर और बटर जैसे कॉमन नाउन्स हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता और जिनके परिणाम की विभिन्न इकाइयों द्वारा माप की जा सकती है। ठीक है, ये जो नाउन्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे काउ, काउ गिव्स मिल्क, मिल्क को गिना नहीं जा सकता। वाटर इज यूजफुल पार्ट है हेल्थ, जो पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो इसको भी गिना नहीं जा सकता। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको जो है नाउन्स के बारे में बताया कि नाउन्स का कैसे हम जब पता चलता है, हमने नाउन के बारे में कैसे क्रिया में कौन, किसने, क्या और किसको लगाने से जो है जो हमें व्यक्ति, वस्तु, अवस्था या गुण का पता चलता है वह नाउन होता है। जैसे निधि राइट से लेटर, राइट्स के आगे हम क्या लिखता है, कौन लिखता है, निधि, और क्या लिखता है, ए लेटर। इसलिए इस उदाहरण में निधि तथा लेटर संज्ञाएं हैं, ये नाउन्स हैं। और उसके बाद दूसरा में बताया कि नाउन्स के पॉइंट्स प्रकार कितने हैं, देर आर फाइव पॉइंट्स ऑफ नाउन, पांच प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर उसके बाद बताया दो के बारे में हमने चर्चा की है, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति, देश, स्थान आदि का बोध हो जिनसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे मधु वाज बोर्न ऑन ट्यूजडे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द गीता इज ए सेक्रेट बुक, जो किसी विशेष व्यक्ति, देश, स्थान आदि के बारे में बताते हैं, जैसे मधु, ठीक है, विशेष लड़की, ट्यूजडे विशेष दिन, दिल्ली मेन मुख्य स्थान, इंडिया देश, और गीता एक विशेष पुस्तक। तो ये, और दूसरा जो है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होते हैं जो एक वर्ग अथवा जाति के बारे में, जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का जिनसे बोध हो, ए कॉमन नाउन इज ए नेम शेयर इन कॉमन बाई एवरी वन ऑफ द सेम क्लास। जैसे बॉयज प्ले इन द फील्ड्स, लड़के मैदान में खेलते हैं, शारदा हैज रीड मैनी बुक्स, शारदा ने बहुत सी किताबें पढ़ ली हैं,
माई अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली, मेरी अम्ब्रेला बहुत जो है कॉस्टली है, महंगी है। तो इसमें बॉयज बुक्स अम्ब्रेला ये पूरी जाति का जो बोध कराते हैं और इनको जो है कॉमन नाउंस कहते हैं। और कॉमन नाउंस ये दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल हो तो जिनको गिना जा सकता है, बॉयज के बारे में लिख सकते हैं, बुक्स के बारे में, अम्ब्रेला के बारे में। और अनकाउंटेबल ऐसे जैसे काउ गिव्स मिल्क और वाटर इज यूज फॉर पार्ट है, तो ये दोनों मिल्क और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है जिनको नहीं गिना जा सकता। तो आज की उस वीडियो में हमने चर्चा की कॉमन नाउंस नाउंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये मानव विकास संगठन जो चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। नेक्स्ट उसमें हम जो है दूसरे नाउंस के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।